नमस्ते सभी को। आज के इस सत्र में आज हम बात करते हैं पित्तांतक रस इस कल्प के बारे में। पित्तांतक रस ये एक ऐसा कल्प है जो पित्त विकारों में बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग किया जाता है। काफी प्राचीन और लाइक अनुभूत मानिए इसको, इसका रेफरेंस भी है। सारे डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पित्तांतक रस जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, पित्त पर काम करता है। अभी कहाँ हम स्त्री रोगों में कहाँ कहाँ पर पित्त की संप्राप्ति हमें मिल जाती है, वहां वहां पर इस कल्प का प्रयोग हम कर सकते हैं और इसीलिए इसका नाम पित्तांतक रस है, तो पित्त का शमन करेगा। अभी बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ पर हम पित्त प्रकोप को महिलाओं के व्याधि में उपयोग में ले सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली एसिडिटी जहां पर भी पित्त की संप्राप्ति है, कमला है, पांडु है, यकृत की कई सारी बीमारियां हैं, उन सभी में हम इस पित्तांतक रस का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। बट इसी के साथ साथ हम जो बाकी व्याधि है जैसे गायनिक्स रिलेटेड, उसमें इसका कैसे प्रयोग करेंगे, इसका रेफरेंस मैं बताती हूँ। रसेंद्र सार संग्रह में इसका रेफरेंस हमें मिल जाता है और ये पित्त रोगों की एक अच्छी अनुभूत मेडिसिन है। इसके कंटेंट्स बताती हूँ मैं। जाति कोष फले मानसी कुष्ठम तालिस पत्रकम माक्षिकम मृतलोहम च अभ्रम दिव्यम समक्षिकम सर्वतुल्य मृतम तारम समम निपिम्यम वारिणम द्विगुंजाभ्या वटी कार्या पित्त रोग विनाशिनी कोष्ठ स्थित च पित्तम शाखाशित यथाम अपिवा शूलम चैवाम्ल पित्तम च पांडुरोग हलिमकम दुर्नाम भ्रांति वांति च क्षिप्रमेव विनाशयेत रसहा पित्तांतको रेशहा काशिराजेन भाषितः। इस प्रकार से ये उस जमाने की मेडिसिन है और देखिए कितना सुंदर वर्णन आया है। इसके पहले कंटेंट्स बताती हूँ। जाय फल ले रहा एक पार्ट, जाय पत्री एक पार्ट, जटामांसी एक पार्ट, कुष्ठ एक भाग, तालिस पत्र एक भाग, सुवर्णमाक्षिक एक भाग, लोह एक भाग, अभ्रक एक भाग और रौप्य भस्म 8 भाग लेना है। और ये सभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अच्छे से मर्दन करिएगा, घोट लीजिएगा और फिर इसका प्रयोग हम लाइक गोली बनाकर वटी के रूप में इसका प्रयोग हम कई सारे पित्त के व्याधियों में करेंगे। इसका अनुपान जैसे देखिए अनुपान का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुपान क्या रखना है हमें यहाँ पे, पित्त शमन करना है तो घी और शक्कर बहुत ही सुंदर तरीके के ये रिजल्ट देंगे। जहां पे भी रुग्ण आते हैं ना, लाइक बहुत वोमिटिंग हो रहा है, छाती में जलन हो रही है और एक प्रकार से आंखों में जलन है, पेट में दर्द है, पेट में जलन है, कभी कभी ऐसे ही गर्म लगता है। कई सारे लोग शिकायत करते कि अंग गर्म लगता है, यानी गर्मी के जैसे लगती है, डायरेक्टली बुखार नहीं होता है बट कभी कभी उनको फील होता है कि शरीर से कुछ गर्म ऐसी भाप निकल रही है। यानी जैसे हम अगर देखेंगे तो ये निश्चित रूप से पित्त का ही लक्षण है और इसी पित्त के लक्षण को हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां है जिसमें हमें पित्त का प्रकोप महसूस होता है, पित्त की वृद्धि होती है, ज्वर आपने थर्मामीटर ले लिया और वहां पे देख लिया तो आपको ज्वर नहीं मिलेगा बट पेशेंट बता रहा है कि मुझे जलन सी लग रही है, मुझे बुखार के जैसे लग रहा है, उसके आंखों से, मुख से, उसके सर से उसको भाप निकल के जैसे लग रही है, तो यहाँ पे इस दवाई का बहुत मतलब ज्वर नहीं है बट ज्वर का भास हो रहा है, ऐसे कई बार होता है। तो ऐसे केसेस में इसका बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी आगे व्याधि जो भाई एकदम प्रॉपरली आपको जो सूत्र बताया गया उसी के आधार पर मैं बता रही हूँ। कोष्ठ स्थित च यत पित्तम शाखाश्रित कामला के आयुर्वेद में शाखाश्रित कामला एवं कोष्ठाश्रित कामला ऐसे 2 प्रकार बताए गए हैं। यानी जैसे कि शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित, शाखा में ये पित्त का प्रकोप और कोष्ठ में पित्त का प्रकोप, तो जैसे एक में तो बहुत ही पीला मल मिलेगा तो एक में तिलपिष्टवत मल बताया गया है, जहां क्योंकि पित्त पहुंच ही नहीं पाता है, पित्त को ब्लॉक किया गया है, बाइल ब्लॉक हुआ है। तो ऐसे सभी 2 ही प्रकार के कामला में यानी जॉन्डिस में जहाँ पे बिलिरुबिन लेवल बढ़ा है, कामान लाती थी कामला, पेशेंट को कुछ करने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, पेशेंट एकदम सुस्त और सोने का मन उसको सोना मालूम होता है, ऐसे सारे लक्षण लेकर पेशेंट आता है, तो हमारा वहां पे पित्त शमन हमें करना पड़ता है।
हम आरोग्यवर्धिनी से लेकर लीवर पर कार्य करने वाली, भूताग्नि पर कार्य करने वाली मेडिसिन यूज करते हैं, अग्निदीपन करते हैं, चरपुंखा, रोहितकारिष्ट, ऐसे कुटकी बहुत अच्छा काम करेगी, गुरुची बहुत अच्छा काम करती है। और इसी के साथ आपको ये पित्तांतक रस भी उसमें ऐड करना है, शर्पुंखा, रोहितकारिष्ट, रोहितक, रक्तरोहिणा, कुटकी जो कि भेदन कार्य करेगी, गुरुची, इन सभी का काढ़ा मिला लीजिएगा। और ये इसी के साथ पित्तांतक रस की गोली आपको देनी है। बेस्ट ये आपको मतलब लीवर और स्प्लीन दोनों अवयवों पर कार्य करेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ता है ना। जैसे हमने देखा हलीमक, इसको बताया गया है, तो हलीमक में भी यकृत और प्लीहा की विकृति होती है, वो ज्यादा जब कामला बढ़ता है तो उसको बहुत ही एक खरा रंग आ जाता है, तो वहां पे शरीर का रंग ही बदल जाता है, फिर हीमोग्लोबिन काउंट भी कम होता है। ऐसे में हम गुटकी, गुरुची जैसे दवाइयों का उपयोग करते हैं ना, इसके साथ में पित्तांतक ये मिला लीजिएगा, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आप इसी प्रकार से यकृत की सारी व्याधियों में, जहां पर भी हिपेटाइटिस से लेकर सारी बीमारियां है वहां पर, या जहां हमने अग्नि सिद्धांत को पढ़ा, जठराग्नि, फिर मूत्राग्नि की विकृति मिली, वहां पर भी आप पित्त का शमन करने के लिए इसको दे सकते हैं। इस समय में पेशेंट को हम जैसे बताते हैं ना, हम कामला में इतना परहेज करते हैं ना, मंदाकिनी जी, डॉक्टर विवेक सर हमारे यहाँ, हम पेशेंट को 1 महीना पूरा तेल बंद, गरम चीजें बंद, और मसाला बंद, और नमक भी बहुत कम करवा देते हैं, खट्टा बंद करवा देते हैं, बहुत परहेज परहेज पर ही कामला डिसीज ठीक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, तो लीवर को लोड बिल्कुल नहीं देते, पाचक अग्नि का काम बिल्कुल बिगड़ा है ना, तो अग्नि पर हमें लोड ही नहीं देना है, तो इसलिए लघु गुण का और एकदम हल्का फीका दाल और रोटी उतना ही खाना हम लोग देते, बिल्कुल 1 महीना उसको किसी चीज को छूने ही नहीं देते हैं, और बाकी फिर इक्षु और बाकी सारी ट्रीटमेंट चलती है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से पांडु में भी पित्त प्रकोप कहीं ना कहीं है ही। तो जिस प्रकार से शाखा स्थित पित्त दुष्ट हुआ है और थोड़ा बुखार हल्का लगता है, कभी भी कोई पांडु में भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि भाई ठीक नहीं लग रहा है, कुछ थकान और गर्मी और बुखार से लग रहा है, तो उसमें भी आप इसको दीजिएगा। एक दाह व्याधि का वर्णन भी आचार्य करते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कई आंखों से जलन, मुख से जलन के जैसे छाती में जलन हो रही है, इन सभी में आप दे सकती हैं। शूल, शूल कई लाइक व्याधि का लक्षण होता है, यानी कई बार इनडाइजेशन से शूल होता है, कई बार यकृत की सूजन से शूल होता है, कामला में शूल होता है, पेट दर्द होता है, एनीमिया में पेट दर्द होता है, और कई बाकी बीमारियां है, ग्रहणी में है, अल्सर्स में पेन होता है, तो इन सभी अल्सर्स में भी कहीं ना कहीं एसिडिटी है, एसिडिटी अम्ल पित्त आगे जाकर अल्सर बनवाता है, तो अल्सर्स में भी या जहां पे दर्द है, पेट का दर्द है, वहां पे शूलम चैवाम्ल पित्तम, अम्ल पित्त की, अम्ल पित्त इतना कॉमन डिसीज है, 70 से 80% हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अम्ल पित्त का सामना करना पड़ता है। अम्ल पित्त ये कभी कभी ऐसे लगता है कि रोजमर्रा का लक्षण बन जाता है, लक्षण ही बन जाता है ये, क्योंकि जैसे ही खान पान की आदतें बदल जाती है। अम्ल पित्त का एक मुझे कारण ऐसे लगता है, मैं हमेशा उसको एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए आपके आमाशय में, गृहिणी में जो अग्नि है, इस अग्नि को कुछ ना कुछ अन्न चाहिए, काम चाहिए, अगर आपने अन्न नहीं लिया, उपवास किया, तो अग्नि क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है, जो एसिड सिक्रेट हो रहा है, वो क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा वहां पे उपस्थित जो भी बाकी के घटक है, दोष है, उस दोषों का पाचन, म्यूकोजल लेयर का पाचन पाचन वो करना स्टार्ट देगा, इरिटेट करेगा आमाशय को, गृहिणी को, और इसी इरिटेशन के साथ जो दाह निर्माण होता है, फिर कुछ बाहर आए जैसे लगता है, वही तो अम्ल पित्त है। सिंपल पेट को खाली रखते हैं तो पित्त बढ़ जाता है, तो जो लोग थोड़ा पेट कुछ ना कुछ पेट में होता है ना, तो पित्त कभी नहीं होता है। अब बिल्कुल ऑब्जर्व करिए, आप खाली पेट काम करने लगते हैं, आप खाली पेट रहते हैं ना तो पित्त बढ़ता है, अगर पेट में कुछ है तो अग्नि को काम मिलेगा, तो अग्नि क्यों भड़केगा, अग्नि क्यों बाकी दोष धातु मलों का पचन करेगा, अग्नि क्यों आपकी म्यूकोज श्लेष्म कला को इरिटेट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बराबर है मेरा शुभ्रा जी? तो अनशन, उपवास, लंघन, ये अम्ल पित्त का बड़ा हित है, जो आज हमें हर व्यक्ति में मिलता है। इवन दो मैंने देखा ना, पित्त प्रकृति के व्यक्ति का खाने का समय भी टल गया, यानी उन्होंने थोड़ा सा भी लेट कर दिया खाने में, जो रेगुलर समय उस समय पर भी खाना नहीं खाया, तो भी उनको अम्ल पित्त की शिकायत होती है, फिर वो लेट खाते हैं तो उल्टी हो जाती है। अम्ल पित्त कई अलग अलग लक्षणों के साथ पेशेंट में दिखता है,
अलग, हर व्यक्ति में अम्ल पित्त के लक्षण अलग होते हैं। कुछ लोग बता दे कि मुझे उल्टी नहीं होती है, बस उल्टी के जैसे लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उल्टी हो जाती है तो मुझे अच्छा लगता है, जो भी खराब अन्न है वो निकल जाता है। कभी पेट दर्द, किसी का सर दुखता है, इस अलग अलग, किसी को बर्निंग दाह, अलग अलग लक्षण लेकर पेशेंट आता है। इन सभी अम्ल पित्त के केसेस में पित्तांतक रस बेस्ट दवाई है। इसमें आप देखिए ना, मैंने जायफल, जायपत्री, लोह, अदरक है, तो मैंने इसीलिए मैंने बताया ना कि पांडु में भी ये काम करेगा। हलीमक, पांडु, अम्ल पित्त, भ्रांति वांति, पित्त के कारण पित्त बड़ा है तो मुंह में पानी आता है, चक्कर के जैसी, वांति के जैसे, वांति है नहीं, वमन, वमन के जैसे लग रहा है। तो भ्रांति वांति दोनों में इन सभी का विनाश ये करे। ये इतना, मतलब मैंने जैसे बताया ना, इस प्रकार से शूल, अग्निमान्द्य, अम्ल पित्त, अजीर्ण, अरुचि, सभी अन्न व स्तुतस के व्याधियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है पित्तांतक रस। इसी का एक एक्सटेंशन भी मिल जाता है, उसको मैं कभी और बताऊंगी। जैसे आज फोकस हमारा पित्तांतक रस पर ही है। अगर पित्तांतक रस में सुवर्णमाक्षी की जगह पर आप सुवर्ण भस्म का उपयोग करते हो तो ये महापित्तांतक रस बन जाता है। और ये उसी प्रकार से पित्त की एक जालिम मेडिसिन है, पित्त की एक जालिम दवा है, जो बिल्कुल जैसे मैंने बताया, ये आप इसी प्रकार से इसका भी प्रयोग कर सकते हो। और ये जैसे सुवर्ण इसमें ऐड किया है तो ऊपर से ये रसायन का काम करेगा। जहां पे पेशेंट में धातु क्षय भी है, बुखार भी है, वहां पे इसका प्रयोग करके देखिएगा। बुखार या उष्णता भी कम हो जाएगी और पेशेंट को स्वाद, अरुचि और भूख ना लगना, वजन कम हो रहा है, अन्न खाने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, ऐसे सारे लक्षण जहां पर भी राजयक्षमा में होते हैं, कामला में होते हैं ना, ऐसे सभी लक्षणों के लिए ये बेस्ट काम करेगा। बट मैंने आज आपको पित्तांतक रस के बारे में, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गायनिक की कहाँ पे यूज करें? बिल्कुल, क्यों नहीं, गायनिक में भी हमारी रक्त प्रदर, मैंने परसों ही आपको रक्त प्रदर के बारे में बताया था कि कैसे हमने उस दिन DUB को लेकर डिस्कस किया था कि वहां पे किस प्रकार से अशोक सिद्ध जो शिरपाक है उसका प्रयोग कैसे होता है। वहां, यहाँ पर भी रक्त प्रदर, ना केवल रक्त प्रदर, पर किसी शरीर के किसी भी मार्ग से अगर रक्त जा रहा है उस समय पे आप इस पित्तांतक रस का प्रयोग करके देखिए, मुझे बताइए। तो ये रक्त प्रदर में हम पित्त का शमन करवाते हैं ना, हम विरेचन देते हैं, हम मौक्तिक भस्म देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, बोलभद्र रस देते हैं, और हम दुर्वास्वर रस का नस्य देते हैं, दुर्वास्वर रस हम पीने को देते हैं। तो ऐसे में दुर्वा रस के साथ इस पित्तांतक रस का प्रयोग करके आप रक्त प्रदर और एंडोमेट्रियोसिस, PID, सूजन, पित्त योनि व्यापद, टॉर्च इन्फेक्शन में भी हम पित्त शमन करते हैं, क्योंकि टॉर्च भी कहीं ना कहीं पित्त विकृति मानी गई है। तो ये इन्फेक्शन में भी हम इस प्रकार से इस पित्तांतक रस का प्रयोग करेंगे। तो ये बिल्कुल, आप और कुछ व्याधि बताइए मुझे, संपदा जी, मंदाकिनी जी, हमारे सारे डॉक्टर्स, दर्शक फेसबुक के, कि कहाँ कहाँ पर स्त्रियों में पित्त प्रकोप जन्य व्याधि है और क्या हो सकती है। ये तो जनरल काय चिकित्सा की व्याधि भी है, आप एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, या लाइक सर्विसाइटिस लीजिएगा, वजाइनाइटिस लीजिएगा, पित्त योनि व्यापद में जो जो भी सारी कैटेगरी आती है, इवन कभी कभी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन या कैंडिड वगैरह होते हैं, वहां पर भी पेशेंट को उस इन्फेक्शन के साथ बुखार आता है या अच्छा नहीं लगता है, थकान सी महसूस होती है, उसमें भी पित्त का शमन। पर क्योंकि ये सारे लक्षणों के साथ अगर आपको अरुचि, अग्निमान्द्य, या खान पान का मन नहीं लग रहा है, पचन नहीं हो रहा है ठीक से, ऐसा लगता है, तो वहां पर भी आप लीजिएगा, DUB में जरूर यूज करिएगा। इसी के साथ मैं और बताऊंगी मेनोपॉज में, मेनोपॉज में कैसे यूज करेंगे। मेनोपॉज में जो महिला कंप्लेन करती है रात्रि में अचानक से घाम आ रहा है, या लाइक कुछ पित्त के लक्षण है, बर्निंग सेंसेशन भी होता है कुछ महिलाओं में, हाथ पैरों में जलन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो उसमें भी आप, उसके साथ DUB भी रहता ही, उसमें भी आप इसको दीजिएगा। और जैसे मैंने बताया ना, ये अगर आपको वहां पे सुवर्ण भस्म के इफेक्ट चाहिए तो आप महापित्तांतक रस लीजिएगा, क्योंकि वहां पे महापित्तांतक रस में सुवर्णमाक्षी की जगह पे सुवर्ण भस्म का प्रयोग किया है, तो सुवर्ण भस्म होगा तो थकान भी अच्छी मिले, थकान भी दूर हो जाएगी और पेशेंट को बल भी बढ़ेगा। और एक प्रकार से जो कमजोरी पेशेंट बताते हैं ना मेनोपॉज में, मेंटली भी पेशेंट काफी विकर्ण हो जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे में भी इसका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये एक सुंदर कल्प है, रसेंद्र सार संग्रह में इसका वर्णन किया है। और जैसे मैंने इसको पूरा तरीके से बताया, दाह आप यकृत, भूताग्नि विकृति में कहीं पर भी यूज करिएगा,
हम जठराग्नि विकृति को हमेशा कंसिडर करते, मैं इस पर एक अलग से एक्सक्लूसिव क्लास लूंगी कि जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि को कैसे डिफ्रेंशिएट करके ट्रीट करें हम। बट ऐसे होता है ना कि एक एक्सपीरियंस के रूप में हमने देखा कि आरोग्यवर्धिनी हम लोग यूज करते हैं काफी बार, हमारा जो प्रैक्टिस होता है उसमें आरोग्यवर्धिनी होता ही है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी ऐड करते हैं ना तो उसमें जो सारी ड्रग्स है वो यकृत पर कार्य करते हैं, आरोग्यवर्धिनी यकृत पर भेदन का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं अग्नि पर काम हो जाता है। इसीलिए हमें डायरेक्टली या और कुछ अलग से भूताग्नि पर कार्य करने वाले द्रव्यों की योजना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आरोग्यवर्धिनी हमारा काम कर देती है। बट मैं बता रही हूँ कि कई सारी व्याधियों में एक और मैं आपको आज शेयर करूंगी, जैसे दोषों को किस मार्ग से निकालना है इसको लेकर जो अनुभव आचार्यों ने, वैद्यों ने हमारे पुराने प्राचीन वैद्यों में बताया है कि जो जहां पे आपको दोष दुष्ट समोचना मिली, जो स्थान मिला उस स्थान के नजदीक वाला, एक एग्जाम्पल देती हूँ, अनार्तों की केस है, अनार्तों की केस में हम लोग नस्य करवाते हैं। क्यों करना चाहिए अनार्तों में नस्य, क्या रोल है? नासा ही शिरसो द्वारम, तो नासा ही शिरसो द्वारम यानी कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड उससे रिलेटेड हार्मोन्स पर हमें कार्य करना है। इसीलिए भले ही एक तरह से आर्तो विकृति, आर्तो का स्थान, आर्तो से रिलेटेड ऑर्गन का स्थान अधो शरीर है, बट हम लोग चिकित्सा कहाँ पर कर रहे हैं? नस्य पर, मस्तिष्क पर। क्योंकि देखिए इसमें फिर से वात दोष का स्थान, सारा आप पैथो सारी फिजियोलॉजी आप लगा लीजिएगा, जैसे दोष धातु मल रिलेटेड है मस्तिष्क से, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा हार्मोन्स का, और हार्मोन्स को करेक्ट करने के लिए हम लोग नस्य देते हैं अनार्तों के केसेस में, जो जाकर स्टिमुलेट करता है। तो इस प्रकार से हमें इसी इसी ही संप्राप्ति या स्थान भेद से हमें देखना है किस स्थान का समावेश है इस व्याधि में, उसके अनुसार चिकित्सा करनी है। तो इस प्रकार से ये पित्तांतक रस हम DUB के साथ जहां पर भी आपको लग रहा है पित्त की विकृति है वहां पर यूज करिएगा, इसके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये जटामांसी भी है, तो मैंने जैसे बताया ना कि दाह में कभी कभी मानसिक दाह भी होता है। मानसिक दाह क्या होता है संपदा जी? मानसिक दाह क्या है? चिड़चिड़ापन, मेनोपॉज की महिला चिड़चिड़ी बनती है। अच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन घर में भी बच्चे बोलते कि माँ अचानक चिड़ जाती है, माँ अचानक कुछ तो मतलब एकदम से चिड़ जाती है फिर शांत हो जाती है। तो एक मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो 45 या 50 की महिलाएं होती है ना, वो बिना कारण के अचानक से झगड़े पर उतर आती है, चिड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मेनोपॉज रिलेटेड है। मानसिक संताप, ज्वर का भी हेतु संताप ही है, मनो उद्वेग है। कभी कभी हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, तो दूसरे दिन तीसरे दिन हमें फिर बुखार आता है, ओवर एग्जर्शन। शादी ब्याह के बाद बहुत सारी घर में सारे लोग बीमार हो जाते हैं, तो बोलते हैं अरे शादी का बहुत काम किया तो बीमार हो गए, यानी ओवर एग्जर्शन, मानसिक उद्वेग, संताप भी ज्वर का कारण है। और इसीलिए मैंने ये बताया आपको कि जहां पर भी आपको पित्त मानसिक या शारीरिक रूप से बड़ा हो, उस उद्वेग की स्थिति में इस पित्तांतक रस का बहुत सुंदर उपयोग हो। तो ये मैंने बताया है, आप मेरा अनुभव आप अभी बताइए। यस अनिता जी नमस्ते। इरिटेबिलिटी विल बी लेस, बिल्कुल, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और कॉन्सेंट्रेशन, इसी दाह के कारण, दाह के कारण अनिद्रा भी लक्षण होता है, हाथ पैरों की जलन है, या दिमाग में कुछ मचा मचा है, हलचल है, दिमाग में कुछ बात है, चिड़चिड़ापन है, तो नींद कैसे आएगी? तो कई बार पित्त के विकृतियों में निद्रा नाश है, और वैसे भी पित्त की विकृति में दाह के कारण ये निद्रा अनिद्रा ये लक्षण बताया ही है, चिड़चिड़ापन, और तेज भी कम होता है ना पित्त की विकृति से, तो बिल्कुल मेनोपॉज की महिला जब तक उस सेट नहीं होती ना मेनोपॉज में, वो बड़ी मतलब अलग लगती है। एक बार मेनोपॉज ठीक से हो जाता है उसके बाद फिर हम बोलते कि अरे ये तो एकदम अलग रूप से चेंज होकर आई है, पर्सनैलिटी में और निखार आया है, तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है मेंटली। बिल्कुल बोलिए संपदा जी, और बाकी सारे डॉक्टर्स, क्या आपका कुछ अनुभव है इसमें मंदाकिनी? आपका अनुभव शेयर करिए मैम, कुछ केस है तो बताइए। आप यूज करते हैं क्या, बताइए पित्तांतक रस को?
एनी एक्सपीरियंसेस? नहीं यार, नहीं हम लोग नहीं यूज करते थे कॉन्टैक्ट अच्छा, कभी आपने मतलब ये नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, या ऐसे ही? मैम, हाथ पैरों की लेस जलन के लिए ना ये मैं यूज करती हूँ, हाथ पैरों की जलन के लिए, और मेनोपॉजल इरिटेशन में मैं यूज करती हूँ, और वैसे भी भ्रांति वांति में भी, सभी में है ये, में। और कुछ इसका ये नहीं है, ये बेस्ट काम करता है ये, बर्निंग मैम सेंसेशन। हिक्का जी, में यूज करते हैं क्या? हिक्का में जिसको बहुत ज्यादा हिचकी आ रही हो। हिचकी में देखा, देखिए ना, हिचकी में एक्चुअली वैसे तो वात को शमन करना होता है, बट आप यूज करके देखिएगा इसमें भी। ये ना लाइक ये बिल्कुल मैम बहुत ही अच्छे से काम करेगा, एनीमिया वगैरह में भी आप देखे देखिएगा, अभ्रक भस्म वगैरह है ना इसमें मिला, लोह अभ्रक है, लोह अभ्रक और सुवर्णनाक्षी का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और मैम रोग पे प्रेगनेंसी भी में है, तो पित्त भी शमन बहुत, तो रोग पे भस्म अभ्रक ये सारी एनीमिया में कितना सुंदर काम करेंगे ना, रक्तों को बढ़ा देंगे ना बहुत अच्छे से। क्या? मैम प्रेगनेंसी में अच्छा दे दीजिए, प्रेगनेंसी में भी कोई बात नहीं, दे सकते। और सर दर्द के कारण भी पेशेंट आते हैं ना, मुखपाक के पेशेंट में दे सकती है आप, मुखपाक भी तो पित्तजनित है, और गैस्ट्राइटिस या स्टमक पेन, स्टमक इन्फेक्शन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में भी दीजिए मैम, इमरजेंसी मैनेजमेंट आप कर सकती है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोरोजिया में, क्योंकि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में कहीं ना कहीं जो भी सारी विकृतियां है उन सभी में पित्त बड़ा ही होता है, तो पित्त का शमन हमें करना ही होता है उसमें। हेडेक में भी दे सकती है, सर दर्द के कारण, पित्त के कारण भी सर दर्द होता है कभी कभी, पेशेंट आते हैं ना सर दर्द हो रहा है, आपको ये आराम से मिल जाएगा मार्केट में, चक्रपाणि आयुर्वेद वगैरह बाकी कंपनियां इसको बनाती है, इवन आप लाइक जहां पे ऐसे पित्तज टाइप का कुछ अतिसार हो गया या पित्तज टाइप की ग्रहिणी हो गई उनमें भी आप यूज कर सकती हैं। आप इसके साथ मैंने जैसे बताया ना अनुपान में ना घी का प्रयोग करिएगा, घी और शक्कर, और ज्यादा अच्छा होगा, अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं तो ये आपको लाइक बर्निंग से इसके बहुत पेशेंट आते, बर्निंग मिक्चुरेशन के पेशेंट आते हैं, उसमें आप दे सकती है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं पित्त जनित ही है ना, और फिर हमारे पास हाथ पैरों की जलन को लेकर पेशेंट आते हैं, बोलिए और किसी का। संपदा जी, आप क्या यूज करती है पित्त के लिए फिर, पित्त प्रकोप में? हाँ मैडम, अभी आज ये मुझे पित्तांत क्रोस के बारे में पता चला। अच्छा, हाँ, इसके दो तीन कामधुदा, अलग अलग ब्रांड्स श्रमकीटी, है पित्तांतक अरे रस के ना, अलग अलग दो तीन नाम भी है, जैसे मैंने एक महापित्तांतक रस बताया, दूसरे भी इसी से रिलेटेड अम्ल पित्तांतक है, अम्ल पित्तांतक पूना में बहुत यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, पूना साइड में ज्यादा चलते हैं अम्ल पित्तांतक वटी, और वो यूज करते हैं लोग। मैम, मेरी बोलिए। जो स्पैज़म डिस्मेनोरिया वाली पेशेंट थी ना, उसको हमने बस्ती दिया था 5 दिन पहले पीरियड्स आने के, पीरियड्स ही नहीं आया मैम इस महीने। अभी क्या करूं मैं उसके साथ कौन सी वाली केस है, कौन सी वाली? स्पैज़मोटिक डिस्मेनोरिया था जिसको, मतलब फाइब्रोइड भी था और बहुत दर्द होता था। फिर हमने उसको योग बस्ती दी थी, फिर उसके बाद उसको बताया था ना, मतलब मछली जैसे गंदगी, उसको पीरियड्स आए थे। तो आपने बताया था कि चंदन वाला लाशा की बस्ती देना, दिया वो, उसको पीरियड्स ही नहीं आया अभी इस बार। अब कितने दिन हो गए वो कह बस्ती रही देते है मुझे, उसको? हो गया मैम 3 4 दिन हो गए, आज की डेट, आज कल की डेट थी, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए डिस्मेनोरिया में दिया था ना हमने तो। मैम। अच्छा, बट कोई बात नहीं, हाँ आएगा मैम, मैम आएगा, हसन ऐसा ने है। कहीं 2 3 दिन बाद आए तो सारा बस्ती का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अभी अभी तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे मैम। कभी उसका डेट मतलब नहीं मिस होता है क्या? मैम, डेट मिस तो नहीं होता उनका,
हमेशा 5 दिन पहले आता था, तो मैंने इस बार 5 दिन पहले के हिसाब से ही दिया था मैंने बस्ती, लेकिन वो 5 दिन भी निकल गए, और आज जो उसकी एक्चुअल डेट थी वो भी निकल गई। और मैंने उससे बोला था, मैंने कहा ऐसा है 6 बस्ती दे देती हूँ, एक बस्ती मैं उस दिन दूंगी, जैसे एक दिन पहले जैसे टीके खाना होगा उस दिन, एक दिन पहले ले लेना, ज्यादा दर्द रहेगा तो। अब अभी वो कुछ आ ही और नहीं क्या रहा है। चल रहा है, और क्या मेडिसिन चल रहा है? और मेडिसिन में कांचनार कुकरू चल रहा है, एक आपने फंकी बताई थी, हिंगू चंदन कुटज वाली हल्दी वाली, वो चल रहा है बस दो, और चिंतावटी चल रही है, और तो कुछ चल नहीं रहा। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा गैप दे दे के फिर सारे मेडिसिन बंद करके देखे क्या? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बस्ती देने के बाद पीरियड नहीं आया, ऐसे तो नहीं होता है मैम। हाँ मैम, अभी देखती, मैं बोलती हूँ सारी दवाइयां बंद करो पहले अभी। हाँ थोड़ा देखते हाँ फिर, मतलब एक ट्रायल बेसिस पे देखते कि क्या ये हो गया होगा, क्यों हुआ है, वैसे क्योंकि मैंने समझा बस्ती दिया था, मैंने कहा उसको, मैंने देखो मीनोपॉज़ का टाइम चल रहा, हो सकता है इसलिए ना आ हो रहा सकता हो, है। यस यस लेकिन यस कोई हाँ तो कई सारे कारण होते, देखिए मेंसेस ना आने के तो कारण बहुत है ना, ऐसा नहीं है, कई सारे कारण होते तो। ठीक है मैम, दवाइयां बंद करते हैं, उनको बोलते हैं कि एक एक दवाई एक दिन बंद कर दें, फिर बताएं ना। हाँ देखते, जस्ट उसको आप मतलब ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसा बोलो, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, आ जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है मैम। और आप पित्त शमन के लिए क्या यूज करती है मैम? पित्त यानी एसिडिटी का कोई बताता है तो? मैम एसिडिटी में एस्पिरिन वगैरह मतलब आता है, जो माजी सब रसायन है ये, फिर शंख वासी, ये सब चीजें यूज करते हैं मैम। मैं अच्छा, और संपदा जी आप? मैडम भूनिम्बादी काढ़ा, हाँ कामदुदा, वेरी गुड, भूनिम्बादी शंखवासी, तो बेस्ट ही है मैम, भूनिम्बादी इवन अब कामला पांडु इन सभी में बहुत चलता है, हम लोग यूज करते हैं ना महाराष्ट्र में, बहुत चलता है भूनिम्बादी काढ़ा। और किसी का कुछ अनुभव हो तो बताइए, शुभ्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी, इस पित्त प्रकोप में क्या? ये पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण इंक्रीज होता है, और वही संप्राप्ति सारे DUB और अच्छा स्वर्जी का क्षार का। ओके, शुभ संध्या, शुभ संध्या, मैडम बहुत है प्रेगनेंसी मेडिसिन। में दे चाल तो पित्तांत हो साल रस हो साल तो पहले 3 महीने हो, पहले 3 महीने तो हो चले देन। कसा है डोस? त्याचा डोस ना मैडम, अपन एक एक गोळीच देतोय त्याचा, एक एक जेवणापूर्वी टॅबलेट, हाँ एक एक टॅबलेटच द्यायचं, आणि तूप आणि साखर सोबत द्या, जर समजा पेशंटला असं मळमळ आणि चक्कर आलं असं का वाटत असेल ना, तर तूप आणि साखर द्या। तूप आणि साखरेने कसं ऑलरेडी पित्तशमन होतं, किंवा मग खडी साखर वगैरे पण वापरू शकता। हाँ सर, हाँ म्हणजे असं टिपिकली तुम्हाला प्रेग्नन्सी मध्ये जर इरिटेशन आणि हे बर्निंग सेन्सेशन असेल आणि असं असेल तर। ओके मैडम। ये अच्छी है मैम, ये इसीलिए मैंने आज बताया है। आप चंदन का भी कुछ ऐसे दे सकते, चंदन अब बहुत ही पेशेंट ना आग आग कर रहा है, दाह का बहुत, मैंने मतलब पित्त का ये जो होता है ना, कई लोगों को समस्या होती है, हाथ पैरों की जलन की, छाती के जलन की, आंखों की जलन की, तो वो परेशान होते हैं, गुलाब जल से ये करो, फिर गुलकंद खाना वगैरह, और कभी कभी पाइल्स में भी बहुत ज्यादा दाह की स्थिति होती है ना, उसमें भी आप यूज कर सकती है, पाइल्स के केसेस में भी। क्योंकि पाइल्स में भी कई कई बार गुदा दाह वगैरह होता है। उसमें भी आप यूज करके देखिएगा। गुलकंद, यस गुलकंद, आंवले का मुरब्बा बहुत है, ये तो बहुत ही चलता है, बिल्कुल सर। ओके, एक बार और हम अम्ल पित्त को लेकर एक बार बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे मैम अगले क्लास में ना। अम्ल पित्त कॉमन है, अम्ल पित्त के पूरे जो भी कल्प है इनको एक बार इकट्ठा पढ़ लेते हैं, यानी हमारे पास काफी सारे विकल्प आ जाएंगे कि यही हम लोग इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। वैसे हमने प्रेगनेंसी वाली छर्दी वगैरह लिया है इसमें, बट फिर भी कुछ अच्छा अगर हमें मिला तो हम करेंगे। बहुत है, दाढ़ी मास्टर, भूनिम्बादी, कव प्रवाल पिष्टी, अविपत्ति कर, बहुत सारी लिस्ट है जो हम अम्ल पित्त के इसमें यूज करते हैं, काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी ये भी।
बिल्कुल और किसी का नरेश जी नमस्ते, आपके कुछ केस का फॉलो अप हो तो बताइए। मैम नमस्कार जी। नमस्कार। एक्चुअली मेरी उनसे बात तो हुई थी पर कोई समाचार उन्होंने दिया नहीं जी। मैं दिया एक्चुअली नहीं? दिल्ली हूँ अच्छा, और वो जो जी। पुरानी दूसरी वाली केस थी उसके बारे में कुछ, जो वो लड़की की महिला केस की थी हाँ, उस? हाँ उन्होंने मतलब मेरे से ट्रीटमेंट, उनको बैम हो रही मेरे कैंसर ना हो तो वो पजल होगी, तो एक बार उसने टेस्ट करवाने से मना कर दिया मेरे को। वो मिली थी मेरे पास, घर भी आई थी बच्ची वो, तो मैं अच्छा। बेटा डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, देखो जी वो कराए ना कराए। और वो कोई भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही, तो मैंने उसे थोड़ा ये बताया पित्त ना बढ़े आपका बेटा, ऐसा कुछ खाना पीना रखो, ये चक्कर है। अच्छा ठीक है, फिर आएगी ना फिर बाद में पेशेंट? नहीं वैसे तो क्या पुराना पेशेंट है मेरे पास, रेगुलर आता रहता ट्रीटमेंट के लिए, अभी हाँ नहीं। थोड़ा सा मैम आयुर्वेदिक में चैलेंज क्या होता है, मरीज थोड़ा सा हमें हल्के में लेता है, बिल्कुल, वो तो है सर, थोड़ा सा ट्रीटमेंट पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा अभी भी है स्ट्रगल फेज, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ठीक है, जो लेते हैं वो पेशेंट ठीक भी होते हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। भी मेरे पास वो पहले दिल्ली की एक महिला आती थी, वो उनको मैंने कॉल किया, वो कल आएगी दोबारा दिखाने। चर्म रोग का जो केस आपने मुझे गाइड किया था, मैंने उनको बताया था, तो वो क्रीम लगा रही थी, क्रीम में जो गंधक था तो उस उसको फायदा तो हुआ है क्रीम से। जी जी ओके ठीक जी है सर। चलिए, अभी अलग अलग ऐसे अनुभव आते हैं, हमें उससे ही सीखना है ना? कल एक नया केस आया था जी मेरे पास, नाड़ी से देखा था, पित्त की मतलब टिपिकल प्रकृति थी महिला को, और उसमें मतलब क्या अब शरीर में दर्द रहने लग गया और चमड़ी में वरण का भी फर्क पड़ गया, और मतलब कि बहुत क्रोनिक बीमारी होगी पुरानी, तो उसने काफी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, तो वो एलोपैथिक से हटके आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं, तो अच्छा मुझे ठीक बड़ा अच्छा है, लगा, वेरी नाड़ी से डायग्नोसिस हुआ। तो अभी तो गुड। मैंने उनको थोड़ा बहुत नॉर्मल युक्ति दी और मेंटली प्रिपरेशन की है, तो वो अब ट्रीटमेंट कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। और ठीक है। सबसे बड़ी बात की पित्त प्रकृति से, मैंने उस महिला के जैसे हिस्ट्री ले ना पुरानी 55 साल की, तो जो पित्त प्रकृति के जो मतलब प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी उस महिला में उस समय थी, ये नाड़ी से मतलब मालूम चला, उसका भ्राजक पित्त बिल्कुल विकृत था टोटली, और रंजक पित्त में भी वात की वाइब्रेशन आ रही थी, तो मुझे खून वेरी की भी गुड। कमी लगी चेहरे के हिसाब से। हाँ अच्छा जी ठीक मतलब है ये सर। नाड़ी बहुत हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रही है सही समय में। सर वो तो है, देखिए आप जैसे आपने पढ़ा, आपको कैसे उपयोग करना है वो आपका डिपेंड करता है ना, आप कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। अभी मतलब अभी हमने कल मैंने फेस डायग्नोसिस का लिया था, उसका भी बहुत, वो भी अलग है। ऐसा नहीं होता है ना कि आपको इंस्टेंटली कुछ तुरंत बता दे कि जादू है भाई, आपने ये उपयोग करो और गायब करो डिसीज, ऐसा तो नहीं होता है। आपको खुद को उसको करना पड़ता है ना, वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अभी कोई स्थिर संभाषा ज्वाइन करता है, सिर्फ सुनता है, कुछ प्रयोग नहीं करता, इंप्लीमेंट नहीं करता, कुछ उसमें बदलाव नहीं करता, तो फिर और उसमें मतलब नहीं, नहीं बोलने में भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वो आपके ऊपर नहीं डिपेंड है ना मैम कैसी चीजों का। आपके देखिए आप, ये इन्वेस्टमेंट आप खुद के लिए है, हम हमेशा बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जिंदगी में, बट खुद में इन्वेस्टमेंट करो, खुद सीखो। तो वो खुद में इन्वेस्टमेंट करने का कल्चर हमारे इसमें नहीं है, तो मेरा तो वही रहता है कि खुद में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम ही होते हैं ना आगे इसको मोल्ड करने वाले। तो आप बाकी तो चीजें ठीक है, प्रॉपर्टी ये वो इसमें इन्वेस्ट करें उसमें, बट खुद के लिए क्या करते हो आप, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या चीजें करते हैं? कुछ भी नहीं करते हम, तो वही तो बात है, वो करते मैम हैं जो तो आगे इसका फायदा होना ही वो है। हाँ जी जो कोर्स होगा अपना, इसका थोड़ा वर्बल टाइमिंग क्या रहेगा, दोपहर में? नहीं, 6:30 वाला ही रहेगा। मैं कल और एक इसमें ये करने वाली हूँ, हम कल मैं कल एक और रखेंगे उसमें, और थोड़ा मैम क्लियरिटी टाइम आ जाए। टाइम टाइमिंग क्या रहेगा सिक्स उसका? थर्टी 6:30 रहेगा सर, 6:30, ये 6 से 6:30 चलेगा, फिर वो आगे 6:30 से आगे चलेगा ऐसे। 1 घंटे की क्लास चलेगी मैम ना? हाँ मैं कंटिन्यू चलेगा। करवाता हूँ रजिस्ट्रेशन अपना, मैंने करना है जी। ओके चलिए, फिर आज के लिए रुकते हैं। फिर आज हमने एक अच्छा कल्प है मैम, ये आप यूज करिएगा, संपदा जी, मंदाकिनी जी, बेस्ट है ये। ऐसे हम छोटे मोटे जो रेगुलर यूज होते हैं ना, वही कल्पत
पढ़ना भूल जाते हैं, बड़े बड़े चीजों को तो पढ़ लेते हैं बट ये छोटे छोटे कल्प भी काम के होते हैं। और इसमें काफी अच्छी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी, भस्म भी यानी हार्मोन मिनरल, भस्म भी है और वनस्पतियां भी है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा विकल्प आपको मिल जाता है लीवर और बाकी बीमारियों के लिए। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, कुछ होगा तो डालिए ग्रुप पे। ओके।